नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पिछले कुछ दिनों का छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर एनालिसिस करने वाले हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको आज हम कवर करेंगे। कब से कब तक? तो ये होगा आपका 14 अगस्त से लेकर आज तक, यानी कि 21 अगस्त तक। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको एनालिसिस करेंगे। पिछले दो लेक्चर्स में हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए थे उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में करना होगा। शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को बता दूं जो बहुत जानना जरूरी है। पिछले 15 अगस्त को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा 4 नए जिलों के गठन की घोषणा की गई है। इसके अलावा 18 नए तहसील बनाए जाने की भी घोषणा की गई है। अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट्स के मन में एक अफरा तफरी है। मेरे पास भी बहुत सारे व्हाट्सएप आए कि इस पर एक अलग से वीडियो बनाया जाए। देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ उतना ही चीजें हैं जितना गवर्नमेंट की तरफ से डेटा रिलीज किया गया है। यानी कि इन 4 जिलों को लेकर या फिर 18 तहसीलों को लेकर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उतना ही जानना है जितना सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं। इसके अलावा अनुमान लगाना कि इस जिले में इतने क्षेत्र होंगे, इस जिले में इसको शामिल किया जाएगा, इसका यहां मुख्यालय होगा, ये सिर्फ अनुमान आधारित है और यहां से आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। 10 तरह के न्यूज़पेपर्स हैं, 10 तरह के आर्टिकल्स आ रहे हैं, हर में देखोगे किसमें कुछ ये डेटा, किसी में कुछ ये डेटा और कई जगह पे गलत डेटा भी दिए हुए हैं। तो इन सबसे बचने का प्रयास कीजिएगा। मैं बार बार बोलता हूं कि अपने दिमाग को जितना शांत रखोगे, जितना लिमिटेड रखोगे आपके लिए उतना बेहतर होगा, क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है और आपको बहुत सारी चीजें पढ़ना है। तो एक दो अगर बड़ा न्यूज आ गया तो आप लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मैं पहले भी बोला हूं कि जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा उन सबको कवर जरूर कराया जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम से बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप लोगों को, नहीं तो फालतू का जो है आपका माइंड इधर उधर बहुत सारा डाइवर्ट होगा। जितना डेटा गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज किया गया है उतना पढ़ेंगे और इसके बाद अगर जो गवर्नमेंट का डेटा आता है उसके बाद हम उस पर एनालिसिस कर लेंगे, क्योंकि अभी जो है सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है। तो इस बात को लेकर आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस लेक्चर का आपको पीडीएफ चाहिए तो पता है आप कहां मिलता है? टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी पिन किया हुआ रहता है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो वहां से जुड़ जाइएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बहुत जरूरी होता है पीडीएफ ताकि आप बेहतर तरीके से नोट्स बना सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रेगुलर करंट अफेयर्स अपडेटेड रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपकी इच्छा हो, अगर पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, जो कि शुरू में ही बताना चाहिए था। 1 लाख का परिवार हमारा पूरा हो चुका है और इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये 1 लाख सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसमें से एक आप भी हैं। तो ये 1 लाख का परिवार बहुत बड़ी बात होती है। आपने जो प्यार दिखाया, आपने जो सपोर्ट किया और हमारा जो सफर रहा वो काफी खूबसूरत सफर रहा है, मुझे भी बहुत मजा आया है आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में। तो 1 लाख परिवार पूरा हुआ है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक? चलिए, पिछले कुछ लेक्चर्स के, यानी कि 2 लेक्चर्स के कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और एक सजेशन मैं आप लोगों से यहाँ पर लेना चाहूंगा कि क्या इन क्वेश्चंस का आंसर मैं अगले वीडियो में करूं या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दूं, आंसर आप लोग करोगे और अगर डाउट है आंसर में तो आप पिछला वीडियो देखकर करोगे। इसका आप लोग सजेशन नीचे कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा, उसके बाद मैं आगे उसी आधार पर करूंगा, ठीक? चलिए, क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 28 जुलाई को छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को किस योजना के तहत प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देने के लिए घोषणा की है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा। एक स्कीम शुरू किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में करिएगा। चलिए, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये है, हाल ही में प्रकाशित छुई खदान के रियासत का इतिहास पुस्तक का लेखक, यानी कि लेखन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में लघु वनोपज के लिए छत्तीसगढ़ को कुल कितने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मैंने बताया भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे, आंसर जरूर कीजिएगा। पिछला वीडियो अभी तक आपने दोनों नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वहां से देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका प्लेलिस्ट में भी वहां से आपको वीडियो मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन है, जनजातीय एटलस जारी करने वाला छत्तीसगढ़ देश का कौन से क्रम का राज्य बन गया है? यहाँ भी ऑप्शन आपके सामने नीचे दिया हुआ है, आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में करिएगा, ठीक? चलिए, एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से सारा डेटा रिलीज नहीं किया गया है। सारा डेटा रिलीज नहीं किया गया है इसका मतलब यह है कि कौन से जिले का कौन कौन सा सीमा होगा, कितना उसका क्षेत्रफल होगा, कौन सा
आबादी कितना परसेंट वहां जो रहेंगी उसका पूरा डेटा हमारे पास अभी नहीं आया और गवर्नमेंट भी अभी रिलीज नहीं किया है, सिर्फ अनाउंस हुआ है। तो अनाउंस के आधार पे जितना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं उसे डिस्कस कर लेते हैं। चार नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है। ये चार जिला कौन कौन सा होगा? तो पहला होगा राजनांदगांव से अलग करके बनाया जाएगा, कौन सा जिला? मानपुर मोहला। सारंगढ़ दूसरा जिला बनाया जाएगा, सक्ती और महेंद्रगढ़ ये तीसरा और चौथा जिला होगा। देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो नया जिला बन रहा है कौन कौन से जिला से अलग होकर बन रहा है। तो जैसे मैंने बोला मानपुर मोहला ये आपका राजनांदगांव से अलग होकर बन रहा है, महेंद्रगढ़ जो है आपका कोरिया जिले से अलग होकर एक नया जिला बनेगा, जांजगीर चांपा से सक्ती अलग होकर एक नया जिला बनेगा और इसके अलावा सारंगढ़ जो है रायगढ़ जिले से अलग होकर एक नया जिला बनेगा। तो फिलहाल ये जो चार नए जिलों का अनाउंसमेंट किया गया है तो आपको ये याद रखना है कि ये चार जिले कौन कौन से हैं। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या कितनी है ये याद रखिएगा। तो वर्तमान समय में कुल जिलों की संख्या 28 है। इन जिलों का अनाउंसमेंट कौन से तारीख को किया गया ये याद रखिएगा, तो 15 अगस्त 2021। 28वां जिला कौन सा बना था? तो गौरेला पेंड्रा मारवाही बना था 2020 में। उस जिले का गठन यानी कि वह जिला अस्तित्व में कब आया था इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में करिए, ये इंपॉर्टेंट है और हम कई बार पढ़ चुके हैं और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी नहीं पूछा है तो हो सकता है कि यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ दे। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि गौरेला पेंड्रा मारवाही अस्तित्व में कब आया। तो 28 जिले हैं और इनके बनने के बाद हो जाएंगे कितने? टोटल 32 जिले। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ यानी कि 36 जिलों का गठन किया जाएगा, यानी कि हो सकता है आने वाले समय में चार और जिलों के गठन का अनाउंसमेंट किया जाए। ठीक है, अभी वर्तमान समय में अगर तहसीलों की बात करें तो ये 177 नहीं 178 तहसील जो है वो अभी कार्यरत है यानी कि अस्तित्व में है। इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, बहुत सारे नीचे कमेंट आने वाले हैं, मुझे पता है कि इतना नहीं इतना है, लेकिन अस्तित्व में जो है वो 178 है। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये कृषि विभाग का रिसेंट का रिलीज डेटा है, उसमें तहसीलों की संख्या दी गई है जिसे मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा। तो अस्तित्व में जो है वो 178 है। अलग अलग अनाउंसमेंट हुए हैं और अभी भी वर्तमान समय में 18 नए तहसीलों की घोषणा की गई है। बस आपको इतना याद रखना है अस्तित्व में कितना है ये याद रखना है। थोड़ा सा यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको जरूर देना चाहूंगा कि इन जिलों की स्थिति कैसी हो सकती है। तो ये अगर ऊपर से आप थोड़ा बहुत जानना चाहो तो जान सकते हो, ये जस का तस रहेगा, हो सकता है इसमें से कुछ ना बदले। जैसे सक्ती जो है कौन से लोकसभा क्षेत्र में आएगा? तो जांजगीर में आएगा। सारंगढ़ कौन से लोकसभा क्षेत्र में आएगा? तो ये सारंगढ़ में ही आएगा। महेंद्रगढ़ कौन से लोकसभा क्षेत्र में आएगा? तो कोरबा लोकसभा क्षेत्र में आएगा। मोहला मानपुर कौन से लोकसभा क्षेत्र में आएगा? तो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में आएगा। इसमें विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये विधानसभा क्षेत्र हो सकते हैं। संभावित ब्लॉक क्या हो सकते हैं? तो ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, विधानसभा और लोकसभा याद रखिएगा। कौन से आदिवासी बहुल इलाका होगा ये जिला? तो यहां पर आदिवासी एससी और ओबीसी का जो बहुल इलाका होगा वो सक्ती में होगा। सारंगढ़ की अगर हम बात करें तो यहां पर अनुसूचित जाति का बहुल इलाका होगा। यहां पर अगर हम बात करें तो आदिवासी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के यहां पर 40% पॉपुलेशन हो सकता है और ओबीसी का 25%। तो यहां पर इतना जानकारी आपके लिए सफिशियंट है। इसके अलावा जो भी आपको जानकारी दिया जा रहा है, इतना एरिया होगा, इन इन से बॉर्डर मिलेगा, ये सब अभी आप इग्नोर करें। जब इसका फाइनल आंकड़ा आ जाएगा सरकार की तरफ से तो उस पर हम ब्रीफ में जरूर एनालिसिस करेंगे। ठीक, इसके अलावा आप ये भी समझ लीजिए कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था तो उस समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपको पता है कि आंसर कितना होगा? 16। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो उस समय जिलों की जो संख्या थी वो 16। उसके बाद 2007 में दो और नए जिले बने, कौन कौन सा? एक आपका बीजापुर और दूसरा आपका नारायणपुर। 2012 में फिर से 9 जिलों का गठन किया गया और उसके बाद 2020 में एक नया जिला बना आपका गौरेला पेंड्रा मारवाही और अब 4 नए और जिलों की घोषणा की गई है। ठीक है, इससे ज्यादा अभी फिलहाल आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर, चलिए अगला जो टॉपिक है वो है राजभाषा आयोग की 14वीं स्थापना दिवस से रिलेटेड। यहां से कई बार राज्यभाषा से रिलेटेड सीजीपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, शुरू करूंगा इस टॉपिक को, इससे पहले एक बात और सुनिए। आज एक दोपहर के वक्त में या फिर शाम के वक्त में एक वीडियो पब्लिक किया गया है, वो एक इंटरव्यू है कवि गुप्ता सर का, अभी रायपुर में एएसपी के पद पर कार्यरत है साइबर क्राइम में।
उन्होंने 4 बार सीजीपीएससी एग्जाम को क्रैक किया है, 2 बार उन्होंने यूपीएससी का मेंस लिखा है और इसके अलावा वो 3 से 4 बार एसएससी भी क्रैक कर चुके हैं, तो उनके पास में बहुत एक्सपीरियंस है और उन्होंने जो एक्सपीरियंस साझा किया है उसे आप लोगों को सुनना चाहिए। और उस वीडियो में खास बात यह है कि कई एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, उनके मन में जो डाउट होता है सिर्फ उस पार्ट को देखना चाहते हैं। तो हमने एक टाइम स्टैम्प बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कि कौन से टाइम पे कौन से क्वेश्चन का आंसर उनसे लिया गया है या फिर कौन से क्वेश्चन का वो जवाब दे रहे हैं। तो डायरेक्ट आप उस टाइम पे जाके, अगर आपको लगता है कि सिर्फ मुझे इंटरव्यू के बारे में जानना कि इंटरव्यू में किन बातों का ख्याल रखना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में उस टाइम स्टैम्प को देखिए और डायरेक्ट साक्षात्कार वाले पार्ट पे क्लिक करके आप वहां वीडियो देख सकते हैं। तो एक अच्छी चीज है और इस पर सलाह भी दीजिएगा कि ये वाला जो पहल है टाइम स्टैम्प वाला आप लोगों को कैसा लगा। ठीक, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे राजभाषा आयोग की 14वीं स्थापना दिवस को अभी हाल ही में मनाया गया, कब, 14 अगस्त को। 14 अगस्त को राजभाषा आयोग स्थापना दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, क्योंकि राजभाषा आयोग जो है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग, यह अस्तित्व में 14 अगस्त 2008 को आया था, इसीलिए इसी दिन जो है राजभाषा आयोग की तरफ से राजभाषा स्थापना दिवस मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग विधेयक को 28 नवंबर 2007 को विधानसभा से पारित किया गया था और इसीलिए 28 नवंबर को जो है वो छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि 28 नवंबर को राजभाषा दिवस मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस, और छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 14 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के वर्तमान सचिव कौन है, तो वह है डॉक्टर अनिल भदबहरी। और प्रथम सचिव कौन थे, तो प्रथम सचिव थे कौन, पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। तो इतनी बातों को आप राजभाषा आयोग से संबंधित याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। गढ़ो नवा भविष्य कार्यक्रम ये शुरू किया गया है स्कूली शिक्षा विभाग की तरफ से। ठीक, छत्तीसगढ़ में सभी जितने भी प्राइमरी स्कूल है वहां के बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान के अलावा जो भी अलग एक्टिविटीज होता है, यानी कि सोसाइटी में किस प्रकार से रहन सहन है, किस प्रकार से उन्हें सीखना चाहिए और अपने आसपास के व्यवहारिक बातों को सिखाया जाना चाहिए, और इन्हीं सब उद्देश्य के साथ में स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से गढ़ो नवा भविष्य कार्यक्रम प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए शुरू किया गया, ताकि उन्हें जो है किताबी ज्ञान के अलावा और जो ज्ञान है वो दिया जा सके। ठीक, और इसकी शुरुआत जो है कब से किया गया है, 15 अगस्त से। तो शुरुआत का भी डेट याद रखिएगा, इस कार्यक्रम के बारे में भी याद रखिएगा, और इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली बच्चों को समाज में विभिन्न कार्यों और व्यवसायों से जुड़े लोगों से पहचान भी कराया जाएगा। तो सिर्फ इतने पॉइंट्स को याद रखिएगा, गढ़ो नवा भविष्य कार्यक्रम। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक स्कूल के बच्चों को किताबी ज्ञान के अलावा अन्य सामाजिक ज्ञान प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो कार्यक्रम का नाम याद रखिएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि यह कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है, किन के लिए शुरू किया गया है, तो 4-5 डायमेंशंस के साथ में आपको इसे याद रखना होगा। अगला, ये भी एक स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से शुरू किया गया एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम है 100 दिन 100 कहानियां। क्यों शुरू किया गया है, तो स्कूली बच्चों में अंग्रेजी भाषा को पढ़ने और समझने की जो कौशल शक्ति है वो विकसित हो सके, इसीलिए स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से 100 दिन 100 कहानियां कार्यक्रम शुरू किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अंग्रेजी भाषा में पठन पाठन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंट्रल ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई पुस्तकें जो है वो इन बच्चों को दिया जाएगा, और यह पुस्तक ट्रांसलेटेड रूप में होगा, यानी कि एक साइड में इंग्लिश लिखा हुआ होगा और दूसरे साइड में हिंदी लिखा हुआ होगा, ताकि बच्चे जो है हिंदी के साथ में इंग्लिश भाषा को बेहतर तरीके से सीख सके। तो 100 दिन में 100 कहानियां सिखाने का टारगेट रखा गया, ताकि इससे बच्चों में जो है वो अंग्रेजी विकसित हो सके, और ये जो कार्यक्रम है मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए शुरू किया गया है। ठीक, तो ये भी शुरू किसके द्वारा किया गया है, स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से, इसे भी आप लोगों को याद रखना होगा। अगला जो टॉपिक है, छत्तीसगढ़ के टोटल 32 पुलिस ऑफिसर्स और जितने भी पुलिस स्टाफ हैं उनको सम्मानित किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। इसका अनाउंसमेंट कब किया गया, 15 अगस्त 2021 को इसका अनाउंसमेंट किया गया, और जो अवार्ड है या फिर जो सम्मान है वो इन्हें दिया जाएगा 26 जनवरी 2022 को। तो 32 का क्या आपको नाम याद रखना है, बिल्कुल नहीं। क्या याद रखना है,
एक नाम याद रखना है, सीआईडी में असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, जिनका नाम है उदय भान सिंह चौहान। इन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। ये है असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीआईडी में उदय भान सिंह। तो इनका नाम आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ये नंबर भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के कुल कितने पुलिस ऑफिसर्स या फिर स्टाफ्स को जो है केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग अवार्ड से सम्मानित किया गया, बस नंबर याद रखिएगा। और इसके अलावा प्रदेश के 10 अधिकारियों को कर्मचारियों को जो है सराहनीय सेवा पदक और 21 को वीरता पदक दिया जाएगा। ये कैटेगरी बस याद रखिएगा, कैटेगरी में कितने नंबर्स के ऑफिसर्स को जो है सम्मानित किया गया याद रखिएगा। ऑफिसर्स का नाम यहां पर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जिन ऑफिसर का नाम आपको याद रखना है वो मैं आपको बता चुका हूं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हालांकि हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है लेकिन इसका थोड़ा सा जो वैल्यू एडिशन के तौर पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। टॉपिक का नाम है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। तो सबसे पहले आप मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के बारे में यहां पर जान ले। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को शुरू कब किया गया था, तो महात्मा गांधी जी के 125वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 को प्रदेश सरकार द्वारा 5 योजनाओं को शुरू किया गया था, जिसमें से एक योजना था आपका मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। इसे शुरू करने के पीछे का उद्देश्य यह था कि प्रदेश में जो 5 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण की समस्या है उसे खत्म किया जा सके, या फिर जो महिलाओं में एनीमिया की समस्या है उसे खत्म किया जा सके। इसीलिए सुपोषण अभियान की शुरुआत किया गया, और सबसे पहले सुपोषण अभियान को शुरू किया गया था दंतेवाड़ा से एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। उसके बाद 2 अक्टूबर 2019 से इसे पूरे प्रदेश भर में लॉन्च किया गया। तो अब यह सुपोषण अभियान जो है न्यूज में क्यों है, क्योंकि सुपोषण अभियान कारगर साबित हो रही है प्रदेश में, और पिछले 2 सालों में इसने बेहतर कार्य किया है। कैसे किया है, प्रदेश में जनवरी 2019 की स्थिति में जो माल न्यूट्रिशन बच्चों की संख्या थी वो 4,33,541 के आसपास थी, यानी कि कुपोषित बच्चों की संख्या। अब मई 2021 के स्थिति में जो सरकार की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया है उसके अनुसार एक तिहाई यानी कि 32% बच्चे जो है वो कुपोषण से बाहर आ चुके हैं, और ये नंबर है 1,40,556। तो ये डेटा याद रखिएगा, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मेंस में आप यहां वैल्यू एडिशन कर सकते हो कि सुपोषण अभियान जो है एक बेहतर और कारगर योजना साबित हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो जारी किया गया है। ठीक, चलिए इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर देख लो। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4 ये 2018 में रिलीज हुआ था, और इसके अनुसार छत्तीसगढ़ में 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चों में माल न्यूट्रिशन की समस्या है यानी कि जो कुपोषण की समस्या है उसका परसेंटेज है 37.7%, और जो एनीमिया से ग्रसित बच्चे हैं उनका जो परसेंट है वो 47%। ऐसे महिला है जो एनीमिया से ग्रसित थी। हालांकि राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण जब 5 रिलीज होगा तो उसमें डेटा और भी क्लियर होगा। जब 4 रिलीज हुआ था तो माल न्यूट्रिशन और एनीमिया के मामले में छत्तीसगढ़ जो है अग्रणी राज्यों में शामिल था, और सुपोषण अभियान इस दिशा में एक बेहतर कार्य करके उभरा है। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना, और इस योजना का नाम जो है 15 अगस्त को, हालांकि ये योजना भी पूरे प्रदेश में लॉन्च नहीं हुआ है, किसी किसी एरिया में इस पर कार्य चल रहा है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि यह एरिया जो है 2 अक्टूबर 2021 से पूरे प्रदेश भर में लॉन्च हो जाएगा। योजना का नाम है मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना, और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किया गया कि इस योजना का नाम जो है अब धनवंतरी योजना होगा। ठीक, धनवंतरी योजना के नाम से इस योजना को जाना जाएगा, और जैसे मैंने बताया कि उम्मीद है कि 2 अक्टूबर 2021 से इस योजना को पूरे जोर शोर से पूरे प्रदेश भर में शुरू किया जाएगा। क्या है यह योजना, तो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, नगरीय निकायों के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सस्ती दवा उपलब्ध हो सके, सस्ती दवा यानी कि जेनेरिक दवा उपलब्ध हो सके, इसलिए इस योजना के तहत में दुकानें खोली जाएंगी जेनेरिक मेडिसिन की, ताकि वहां पर लोगों को जो है सस्ती दवा मिल सके। और योजना के तहत राज्य के लगभग हर जिलों में जेनेरिक दवा की दुकान जो है वो खोली जाएगी, और राज्य के सभी नगरीय निकायों में इस योजना के तहत भी दवाई दुकान जो है वो खोली जाएंगी, और इन दुकानों का संचालन जो है वो उस जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तर पर अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी के द्वारा किया जाएगा। तो संचालन किसके द्वारा किया जाएगा,
ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। योजना क्या है ये याद रखना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है याद रखना है। क्लियर, इतने पॉइंट्स को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, दुकान का संचालन कौन कर रहा है, कलेक्टर की अध्यक्षता में कौन सा एजेंसी कर रहा है वो बता दिया। अब इसे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है इस योजना को, तो राज्य शहरी विकास अभिकरण यानी कि सूडा जो है इसका नोडल एजेंसी है। क्लियर, चलिए तो ये था हमारा आज का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सबको हमने एनालिसिस किया है, और कई लोगों का रहता है कि ये टॉपिक वो टॉपिक, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना उसमें से एक भी नहीं छूटेगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है कि क्या आपका करंट अफेयर जो है वो सफिशियंट रहता है, तो अगर आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर ले तो पीडीएफ के साथ में, वीडियोज के साथ में, तो वो सफिशियंट है। इससे बाहर कुछ भी आने के चांसेस नहीं, और इससे बाहर आपको जाने की भी जरूरत नहीं। हम रिविजन भी कराते हैं जब टाइम आता है, तो वो भी बेहतर तरीके से आपसे कराएंगे। तो इस बात को लेकर कंफ्यूज बिल्कुल मत रहिएगा कि क्या सफिशियंट है या नहीं है। अच्छा, एक किसी का कमेंट आया था नीचे मैगजीन को लेकर, कमेंट ये था कि आपका जो मंथली मैगजीन आता है उसमें जो कंटेंट होता है वो पिछले महीने का होता है, तो आप किसी भी मंथली मैगजीन को उठा लो, कहीं से भी उठा लो, उसी महीने के मैगजीन यानी कि मान लीजिए मार्च का मैगजीन आया और उसमें मार्च का ही कंटेंट कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भी मैगजीन मंथली आता है, जैसे मार्च के महीने के नाम से आया तो उसमें फरवरी का ही कंटेंट होगा या जनवरी का ही कंटेंट होगा, प्रिंट कराना होता है, मार्केट में लाना होता है, तो उस मंथ का पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है, तो थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। और जितने भी सजेशंस हो, जितने भी डाउट्स हो, या फिर कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।